108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्नालाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्र वधु श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। श्रावक का ये कर्तव्य है देव पूजा, गुरुपास्ती और स्वाध्याय। जब हम स्वाध्याय करें तो हमारे मन और इंद्रिय कंट्रोल में आ सकता है। ज्ञान के बिना कभी संयम, तप, त्याग में अपना भाव नहीं लगता है, इसलिए स्वाध्याय करना जरूरी है। और स्वाध्याय के साथ में वो ज्ञान के साथ में एक सम्यक ज्ञान की जरूरत है। सम्यक ज्ञान ही आगे संयम को धारण करके, तपस्या करके मोक्ष जा सकता है। तो संयम किसे कहते हैं? यम सम्यक, सम माने सम्यक प्रकार से, यम माने दबाना, सम्यक प्रकार से अपने इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना, उसका नाम है संयम। संयम एक देश संयम भी होता है, सकल संयम भी होता है। एक देश संयम धारण करने वाले मनुष्य में श्रावक एक देश संयम भी धारण कर सकता है, सकल संयम को भी धारण कर सकता है, और तीरियन से एक देश संयम धारण करता है। और आचार्य ने संयम के 5 प्रकार भी बताया है। क्या बताएं? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का संयम बताया है। तो सामायिक, सामायिक केवल साधु के लिए नहीं, सामायिक श्रावक के लिए भी बताया है। और सामायिक में अपने विशेष मन लगने के लिए आचार्य कहते हैं सामायिक समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्तरोद्र परित्यागम सद्धि सामायिकम मतः। सामायिक की परिभाषा आचार्य ने बताया, समता सर्वभूतेषु, 3 लोक के प्राणी के प्रति, प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारा समता भाव होना चाहिए। जहाँ विषमता होती है तो वहाँ पर आकुलता व्याकुलता हो जाती है, इसलिए समता है तो वो सामायिक है। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना, संयम की शुभ भावना, प्रति समय कुछ न कुछ इच्छा निरोध की बात मन में आनी चाहिए कि आज हमें ये नियम का पालन करना है। आज छोटा छोटा नियम का भी पालन करेंगे, वो इच्छाओं का हम निरोध करते जाएंगे, उसने अंश में हम संयम का पालन कर रहे हैं। इसलिए संयम में शुभ भावना, संयम की हमेशा शुभ भावना रहनी चाहिए, वो भी सामायिक है। आर्त रुद्र परित्यागम, आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान का त्याग होना चाहिए, कम से कम इतने समय तक। जब सामायिक का समय लेकर बैठे हैं तो उस समय आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान से परे होकर के सामायिक करने चाहिए। न ये सामायिक ऐसा है कि जो हमने किया हुआ कर्म है उसका परिहार कर सकते हैं सामायिक में, परंतु यदि सामायिक में बैठ गए और यदि आर्त ध्यान रुद्र ध्यान चल रहा है तो वो सामायिक में और आपको विशेष पाप का बंध होगा। इसलिए सामायिक करते समय भले आप थोड़ा समय को निश्चित करो और उस समय तक न शरीर को हिलाना डुलाना, मन को इधर उधर न उपयोग लगाना, मन को केवल उस सामायिक की समता भाव में रखो, तो उस समता भाव से सामायिक से अनंत पट कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए आर्त ध्यान रुद्र ध्यान से बचना जरूरी है सामायिक के समय। इतना प्रैक्टिस करोगे तो आगे थोड़ा और प्रैक्टिस में आपकी समता भाव बनती जाएगी, और जहाँ समता भाव है वही सामायिक है। और सामायिक में बैठने के बाद में यदि हमारा उपयोग नहीं लग रहा है तो वो सामायिक सामायिक नहीं मानी जाती है। तो सामायिक में आर्त ध्यान रुद्र ध्यान से रहित होना तद्धि सामायिकम मता, आचार्य ने उसको सामायिक बताया है। तो श्रावक को भी सामायिक कम से कम 48 मिनट की सामायिक तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सुबह से शाम हम कितने हिंसा में, प्रमाद में, कितना पाप का बंध होता है, उस पाप के परिहार को करने के लिए कम से कम सामायिक सुबह शाम, नहीं तो एक बार तो सामायिक करनी ही चाहिए। तो सामायिक से हमें कर्म किया हुआ है वो परिहार हो सकता है। तो सामायिक ये श्रावक का कौन सा है? षटकर्म में देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय और स्वाध्याय संयम। संयम में आता है सामायिक। सामायिक छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापने आचार्य ने कहा कभी चारित्र होने के उदय से कोई व्रत लिया है और उस व्रत से कहीं अपना नियम टूट गया तो उसमें घबराने की बात नहीं है, फिर आप
उसके प्रति ग्लानी करके कि हाय मेरा क्या पाप कर्म का उदय, मेरा व्रत नियम टूट गया, और उसके बाद में ग्लानी करके वापस व्रत को धारण करना चाहिए, उसको बोलते छेदोपस्थापना। छेद हो गया उसको वापस स्थापना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार व्रत टूट गया तो अब व्रत नहीं धारण करना। और कई लोग बोलते नहीं आज व्रत करेंगे कल टूट जाएगा, तो व्रत लेते भी नहीं है। अरे कम से कम वर्तमान में व्रत लेकर के कम से कम उस दिन का तो पुण्य बंद करो, कल के किसने देखा। इसलिए आचार्य बहुत हमारे लिए उपहार में सब कुछ दे गए कि कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कभी चारित्र मोने का तीव्र उदय आ जाता है तो बड़े बड़े मुनि भी अपने मुनि पद से च्युत हो गए, परंतु फिर छेदोपस्थापना करके अपने व्रत नियम को पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। आप चरणों में सुधार हो आशीर्वाद मिलता है। सच्चा साधु आशीर्वाद किसको देता, जिसका आचरण शुद्ध हो उसको आशीर्वाद मिलता। इस पंचम काल में है, चतुर्थ काल को जैसा है धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, ये पंचम काल में नहीं है। फिर भी है धर्म ध्यान पंचम काल अंत तक है, क्यों नहीं है पंचम काल में है? पूछा तीसरे काल से ही है इस भूसा हुंडा शब्द काल होने से तीसरे काल में से ही शुरू है। क्या शुरू है चले पढ़ने तुम्हें बताए। तदीय चतुपंचमेशु कालेषु परम दम्मढ़ा सहरा विदेह कुदेह कुलिंगे दृष्टे दुष्ट पाविठा। दुष्ट पापिष्ट कुदेव कुलिंगी इसका तीसरे काल से ही चला है, तीसरा चौथा पंचम काल में चला, लेकिन ये बात विजय क्षेत्र में नहीं है, वहाँ हमेशा चतुर्थ काल है। यहाँ विविध अनेक प्रकार के कुदेव और कुलिंगी जो है दिखते हैं, इसलिए सच्चे धर्म का जो है अनुयायी कम है, सच्चे धर्म पालने वाला कम है, समझे। ऐसे मोक्षगामी जो एक भी यहाँ जन्म नहीं लेता, वो तो विदेश क्षेत्र में जन्म लेता। कर्म भी देखो भूल करके भी मोक्षगामी जी पंचम काल में जन्म नहीं लेता, चतुर्थ काल में यहाँ पैदा हुए हैं, चतुर्थ काल में हुए और तीसरे काल में भी आज रात भगवान ने तीसरे काल को चौथा काल बनवा दिया, समझे। इसलिए तो पहले इतना हिंसा होने ही होती थी, और भोग भूमि में अब हिंसा की बात ही नहीं, कल्प वृक्ष मिलता है हाँ, खाने का पीने का सब कुछ व्यवस्था भोग भूमि में मिलता है। यहाँ तो ऐसा नहीं, कर्म करे कौन सा कर्म, असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प, ये शरीर कर्म से यहाँ पेट भरते हैं, रसनेन्द्र सुख भोगते हैं, भोग में नहीं है। चतुर्थ काल विजय क्षेत्र में वह हमेशा चतुर्थ काल है, समझे। वहाँ भी तीर्थंकर जहाँ है तीर्थंकर समोसण है, वहाँ तो भीख भूख प्यास सर्दी गर्मी कोई प्रकार के रोग उनके समोसण नहीं होता, लेकिन असी मसी कृषि वाणी सेवा शिल्प वहाँ भी है। उसके साथ साथ वहाँ देव पूजा गुरु पार्थी स्वाध्याय संयम दान तप वहाँ भी है, समझे, विशेष करके। और वहाँ साधु का भी ये षटकर्म है, कौन सा, समता स्तुति वंदना प्रतिक्रमण काय स्वाध्याय काय स्वरूप। इसलिए यहाँ जो है पुरुषार्थ सिद्धि पाई बताया चार प्रकार के हिंसा होती है, विरोधी उद्यमी आरंभी और संकल्प, चार प्रकार की हिंसा यहाँ बढ़ रहा है और आगे और भी बढ़ेगा, इनसे हिंसा ही बढ़ेगा, क्योंकि अभक्ष आने वाले बढ़ते जाएगा। विजय क्षेत्र में अभक्ष आने वाला नहीं, और भोग में अभक्ष का बात ही नहीं, कल्प कार। इसलिए हिंसा कितने प्रकार है पुरुषार्थ सिद्धि पाई में बताया, चार प्रकार के हिंस्य, हिंसक, हिंसा,
हिंसा पर, ये आचार्य बता अहिंसा परम धर्म की जय। अरे अहिंसा परम को जय बोलते हो, पहले हिंसा का चार भेद कौन सा ये समझो पहले, समझे? हाँ, हिंसा मैंने क्या, जीवों को सताना, क्योंकि कहाँ जीव है, जीव पुद्गल में है, पुद्गल की संगति किया है, अब पुद्गल की संगति कर रहा है, समझे? कोई भी चीज़ खाने पीने की वस्तु जो है करना हो तो बिना हिंसा के यहाँ नहीं मिलता। बोलते हैं आरंभ हिंसा, उद्योग हिंसा, संकल्प हिंसा और क्रोध हिंसा, ये चारा प्रकार के हिंसा यहाँ चल रहा है। हमसे हिंसा के योग्य पदार्थ, जीव ऐसे शुद्ध है तो हिंसा के बात ही नहीं। जीव शरीर के संगति से इस पेट के लिए जो कुछ अभक्ष खाता हाँ, वो क्रिया का नाम पुद्गल के संगति से होता है हिंसक, हिंसा हिंसा। और हिंसा, हिंसा कौन है, जो क्रिया करने वाले कौन जो है हिंसक बोलते व्यक्ति, और हिंसा जो है हिंसा करने वाला हिंसक, हिंसा का नाम क्रिया, और हिंसा का फल क्या, चारों गति में भटकना, समझे? विशेष करके स्वर्ग में हाँ रस इंद्र सुख नहीं है, स्वस्थ इंद्र सुख, तो ये भी हिंसा होते, एक बार काम सेवन करने से 9,00,000 जीवों की हत्या होती है या नर पशु गति में, लेकिन वहाँ वैक्य शरीर में 9,00,000 जीवों की हिंसा नहीं होती है, क्योंकि वैक्य शरीर में जीव और नारकी के शरीर में निगोजिया नहीं है। यहाँ मनुष्य मनुष्य और पशु शरीर में निगोजिया जीवा, इसलिए 9,00,000 जीवों की हत्या होती है एक काम से करें, इसलिए यहाँ संयम है, समझे? पशुओं को देश संयम है और साधु को सकल संयम है, इसलिए यहाँ यहाँ चारों प्रकार के हिंसा जिने जिने बढ़ते जाएगा, समझे? यहाँ जो है पाप करने वाले अधिक होते हैं, पुण्य करने वाले कम होते हैं, मैंने तीव्र कषाय से पाप होता है, मंद कषाय से पुण्य होता है, कषाय रहित होने ना पुण्य है ना पाप है, समझे? इसलिए अब आचार्य ने जोर दिया कि पंचम काल में पाप करना बहुत सरल है, पुण्य करना कठिन है, इसलिए बोलते हैं तुम जो है अहिंसक बनना हो तो पूर्ण अहिंसा धर्म का हिंसा धर्म तब होगा जो राग द्वेष रहित हो। आत्मा की हिंसा होती है राग द्वेष, सबसे कठिन तो राग छोड़ना कठिन है संसार पाने को, द्वेष से क्या अलग हो जाएगा, इसलिए तो द्वेष है तो उससे अलग हो जाएगा, राग से अभी बंधे हुए हैं संसार पाने, कौन सा राग से, इसलिए बोलता है राग के कारण क्या करता है, स्त्री का संगति करता है, राग के कारण अभक्ष कहता है, समझे? इसलिए पापी बनता है, समझे? आगे आगे छठम काल में स्त्री पुरुष दोनों नंगे रहेगा, कपड़े का नाम ही नहीं है, ऐसा दिन आने वाला है, समझे? जो अभी पाप करने वाले, समझे? और तिलय पंडित ने बताया है तो छठम काल में हैं तो कच्चा कच्चा आलू और मछली ये सेवन करने वाला होगा छठम काल के मनुष्य, वो कौन होता, जो अभी से जो मछली आलू खाने वाले मर करके आगे छठम काल में भी 21,000 वर्ष दुख भोगेगा और नरक से आना नरक में जाना ये स्थिति बनेगा, इसलिए भैया हे जीव तू सावधान रहो, तो पाप से बचो, हाँ पुण्य करो, अभी पुण्य करने का मौका है, अभी पाप से बचने का मौका है पंचम काल में, पंचम काल में उपशम शेषम धम्य दशमी है, धर्म ध्यान है, ऐसा आचार्य ने जगह जगह शास्त्र में जगाया। मंत्राधीन देवता, जीव है मंत्राधीन, हाँ वो न्याय से जाप कर रहा, अन्याय से न्याय जाप कर रहा,
ये जीव नहीं जगता, जो जाप करता उसको सिद्ध होता। बताओ, दुर्योधन ने एक ब्राह्मण को बोला, समझे, पहले एक सिपाही को बोला था, क्या बोला, पांडवों को मारना है, समझे, हाँ तुम ऐसे सिद्धि करो, वनवास में ब्राह्मण पांडव लोग हैं, उनको मारना है, इसलिए तू ऐसी विद्या सिद्ध करो कोई जीव को वो पांडवों को मारे। देखो दुर्योधन तो नर्क में जाने वाला, वो भाई भी बाप कुछ नहीं समझता, हम क्या बोले, एक सिपाही को बोला पांडव धर्मात्मा है, उनको मैं मारने, मेरे को मारने को बोलते, मेरे को लोभ दिखाते हैं, तुमको इतना धन देंगे पांडवों को मारो, हाँ लेकिन मेरे को धन की आवश्यकता नहीं है, मेरे पेट भरने के लिए जो धन है वही काफ़ी है, मेरे को जो है, हाँ पांडवों को जैसे धर्मात्मा मारने के लिए आप बोलते हो, आप उनके भाई हो करके, ऐसा बोलने से गुस्सा करके दुर्योधन ने उस सिपाही को जे कारागृह में डाल दिया। बताओ पापी क्या नहीं करेगा, हैं समझे, दुर्योधन में हैं संपत्ति वैभव सब कुछ होते हुए वो नरक में क्यों गया, हाँ संपत्ति वैभव पूर्व में कुछ पुण्य की इच्छा प्राप्त हुआ, लेकिन अपने भाइयों को मारने का भाव किया, समझे, तो उस समय उसको जेल में रख दिया। एक ब्राह्मण को बोला कि तुम पांडव मारने के लिए कुछ विद्या सिद्ध करो, वो देव को सिद्ध करो, पांडवों को ऐसे नहीं मार नहीं सकते हैं, तुम ऐसा सिद्ध करो पांडवों को जो है खत्म हो जाए, ये भावना थी, समझे, हैं उसमें उन्होंने ब्राह्मण ने क्या लोभ हुआ साथ मंत्र सिद्ध किया, कृत्रिम विद्या सिद्ध किया, आता है ना कृत्रिम विद्या, हैं वो विद्या सिद्ध किया तो जाप किया पुरुषार्थ किया, पाप करने के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं, हैं पाप सरना नहीं है, पाप करने को भी सिद्ध करते हैं, और मंत्र जाप किया विद्या सिद्ध हो गया, हैं मंत्राधीर देवता देवता सिद्ध हो गया, वो जो मांगेगा वो देना पड़ेगा देवी को, हाँ देवी देवता को, तो उस समय तो वो मंत्र सिद्ध करने के बाद वो देवता बोलते हैं काय कर सिद्ध किया मेरे को, क्या चाहिए, कुछ नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए पांडवों को मारना, तथास्तु, देव भी सोचता नहीं ऐसा काम नहीं करने भी नहीं सोचता, मंत्र के आदि नौकर बोल हाँ तथास्तु ऐसा करेगी, क्या वो विद्या देव देवता जो है सीधा पांडव के पास में आया, समझे, पांडव पास आकर देते पांडव अभी वनवास में बैठा है, समझे, हाँ अभी इनको कैसे मारना, क्या उपाय करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्नालाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्र वधु श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म एमएसएससी जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।